आवे तो झरने की तरह आवे, तालाब की तरह नहीं आवे। झरने की तरह आने का भाव, झरना बहता हुआ रहता है। धन जीवन में आवे तो ये बहता हुआ रहे, परोपकार में लगता रहे, परिवार के लिए चलता रहे, वो ठीक है, लेकिन परोपकार के लिए रुके नहीं, रोकना नहीं धन को। अगर तालाब की तरह धन आएगा तो तालाब के पानी में काई जमा हो जाती है। अगर धन को इकट्ठा करते रहे तो विकारों की काई जमा हो जाएगी। जीवन में धन आवे इसके लिए एक मंत्र बता रहा हूं आपको महाराज, इसकी आप 31 माला रोज कर ले, धन आना शुरू हो जाएगा। कौन सा मंत्र है? ओम श्रीम क्लीम नमः, छोटा सा मंत्र, ओम श्रीम क्लीम नमः, धन आने लगेगा आपके लिए। दुकान में बैठ जाओ, जब करते रहो, जब करने में क्या जाए। अगर सुंदर बनना चाहते हो तो गंधर्वों की आराधना कर ले, ये ब्यूटी क्लिनिक है, गंधर्वों की आराधना करो आप सुंदर बन जाएंगे। सुंदर पत्नी चाहिए तो उर्वशी की आराधना करो, किसी राज्य पाने की कामना है तो इंद्र की आराधना करो, वंश वृद्धि की कामना है तो पितरों की आराधना करो, पति का प्रेम पाने की कामना है तो मां पार्वती की आराधना करो, किसी का बुरा करने की कामना है तो राक्षसों की आराधना करो, और आपके मन में कोई कामना नहीं है और सारी कामना विद्यमान है तो टेढ़ी टांग वाले बाकी बिहारी मुरली मनोहर गोविंद देव की आराधना करो, सारी मनोकामना पूरी हो जाएंगी। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार दी, ये भगवान है, ये ऐसा दुनिया में कोई काम नहीं। देखो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ, उन्होंने महाराज भारतवर्ष के देवी देवताओं के चित्र मंगवाए और सब देखने के बाद में जब कृष्ण की झांकी देखी तो मंत्री से कहा, मंत्री सच्चा देवता तो ये है, कृष्ण को देख करके। तो मंत्री ने कहा, महाराज ऐसी इसमें क्या बात है जो सच्चा देवता ये? बोले देखो, सबको अपने अपने शत्रु का भय है, इसलिए तो वेपन्स रखे हुए हैं अपने पास में। हनुमान जी ने गदा रख रखी है, शंकर जी ने त्रिशूल रख रखा है, दुर्गा जी ने बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र खड़ग इत्यादि रख रखे हैं, भगवान विष्णु ने चक्र रख रखा है, सबके पास, सबको अपने अपने शत्रुओं का भय है, लेकिन कृष्ण इसको देखती हूं तो देखो कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, एक बांस की बांसुरी पोली उसको होंठों पे लगाकर गैया चराता हुआ मंद मंद मुस्कान के साथ चला जा रहा है, इससे बड़ा देवता दुनिया में कोई नहीं हो सकता। कितनी मधुर झांकी इसकी, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, और जो खुद बेफिक्र है वो दुनिया को बेफिक्री दे सकता है, और जो खुद फिक्र में पड़ा हुआ है वो दुनिया को फिक्र बेफिक्री कैसे दे। एक छोटा सा उदाहरण है कि आपके पास में अगर 1000 रुपया है तो आप 10,000 नहीं दे सकते। कोई गाली देता है तो बुरा मत मानो, क्यों? दया करो बेचारे पर। अरे कोई गाली देता है इसमें दया क्या करें? अरे उस बेचारे के पास में गाली के अलावा कुछ है ही नहीं, वो देगा क्या? जो वस्तु जिसके पास होगी वही दे सकता है। इसलिए अगर तुम्हारे पास सुख है तो तुम दुनिया को सुख ही बांटोगे, और तुम्हारे पास दुख है तो दुनिया को दुख ही बांटोगे। इसलिए दुनिया को सुखी करने से पहले सबसे पहले खुद सुखी होना सीखो, खुद प्रसन्न होना सीखो। खुद की प्रसन्नता है तो दुनिया प्रसन्न कर सकोगे, खुद रोते हुए रहोगे तो दुनिया को क्या हंसाओगे। दुनिया का सबसे बड़ा देवता तो श्री कृष्ण है। राजन भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन किया और उसके बाद में महाराज एक बात कही, उस कृष्ण की कथा को जो नहीं सुनता है उसके कान कैसे हैं? बोले उसके कान तो सर्प के बिल के समान हैं। जिसके कान में कृष्ण की कथा नहीं जाती उसके कान सर्प के बिल के समान हैं। जिसकी जीव भगवान का नाम नहीं लेती है वो जीव मेढक की समान है, टर 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 करती है लेकिन भगवान नाम नहीं आता। जिसके हाथ भगवान की सेवा के लिए नहीं बढ़ते हैं उसके हाथ तो वृक्ष के समान है, वृक्ष की शाखा के समान, जो भगवान की सेवा के लिए आगे नहीं बढ़ते। बिले बतोरो क्रम पुटे नरस्य जिवहा सीता पुरी की
भगवान का नाम वाणी पर नहीं आ रहा है तो मेढक के समान लिखा है महाराज श्रीमन जनार्दन तथा गुण गुणीर भगवान की कथा सुन करके हृदय प्रफुल्लित नहीं हुआ दीहीन यस्य कुलोद्गम रोमराराहि नो नोद्यते तनयनोर्विमलामाला एकस्य जीवन महोपोषो समस्य इसका अर्थ समझे क्या है बोले श्रीमन जनार्दन कथा गुण कीर्तनानी जिसके कान भगवान के गुण कीर्तन का श्रवण करते हुए न करें और अगर करते हैं तो उसका देह भगवान की कथा सुनकर के रोम रोम नहीं खिलता है। कथा सुनकर के जिनकी आंखों से अश्रु धारा नहीं बहती है अरे राम 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 वो मनुष्य तो धिक्कार है उनके जीवन पर वो तो अधम पुरुष है। भगवान की कथा को सुनकर के जिनका चित्त प्रफुल्लित नहीं होता कहां जीवन जा रहा है। महाप्रभु चैतन्य कथा कर रहे चैतन्य महाप्रभु जितने भक्त बैठे आंखों से अश्रु की धारा बह रही। एक बानिया बैठा था माहेश्वरी तो महाराज रोना ही नहीं आवे उसे तो अगले दिन पोटली में मिर्च बांध के लाया मिर्च और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई तो आंखें पे मिर्च लगाई पोटली लोगों ने देखी तो अश्रद्धा हुई। महाप्रभु चैतन्य से कहा कथा विश्राम के बाद कि महाप्रभु आपकी कथा में एक नकली श्रोता बैठा है। नकली श्रोता बोले आप मिर्च लगा करके आंसू बहाता है। महाप्रभु ने बुलाया भैया बुलाओ से जो आया पूछा महाप्रभु ने भैया आंखों पर मिर्च लगाए के काहे को रोबो चरणों में गिर पड़ा वो और कहता है महाप्रभु आप जैसा श्री कृष्ण के रस में भीगा हुआ वक्ता कथा कर रहा हो सबके नेत्र अश्रु की धारा बहा रहे हैं ये नेत्र भी रोए थे बेटा मर गया तो रोए थे व्यापार में घाटा हुआ तो रोए थे बेटी विदा हुई तो रोए थे किसी ने अपमान कर दिया तो रोए थे लेकिन आपकी वाणी से निकलने वाली कृष्ण कथा को मैं नहीं रोए तो आंखों पे मिर्च लगा करके इन आंखों को दंड दे रहा हूं। अरे पापी नेत्र कम से कम कृष्ण कथा में भी तो तेरे आंसू बहने चाहिए। इन आंखों को धिक्कार है जो भगवान की कथा में बहते नहीं। परम पूज्य हमारे अयोध्या के आचार्य श्री कृपा शंकर रामायणी जी वो कहते थे एक बार मैं कहूं एक बार आप कहना बड़ा आनंद आएगा इस रस में। जिन आंखों से नीर बहा करता 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 उन आंखों में राम रमा करता आंखों में राम करता जितने करता जितने करता गोपिया गोपिया रुरुदु सुस्वर रागने कृष्ण दर्शन लालसा रुरुदु सुस्वर रागने कृष्ण दर्शन लालसा केवल कृष्ण दर्शन लालसा ही और आंखों से आंसू बह रहे। इसलिए कबीरदास भी कह रहे हैं अरे कबीरा कबीरा क्या कहे जा गोपिन के तीर एक एक गोपी प्रेम में बह गए कोटि कबीर। एक एक गोपी की आंखों से निकलने वाले आंसू नदी का रूप लेते हैं नदी बाढ़ बन जाती है नदी में बाढ़ आती है और करुणों ज्ञानी बह करके निकल जाते हैं उन गोपिकाओं के प्रेम की नदी के बाढ़ में।
ये आंखों से बहने वाले आंसू। राजा परीक्षित देख सुन, अब तुझे जो कथा सुना रहा हूं उससे पहले गुरुदेव का स्मरण करूंगा। यहां पर सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया है, श्री शुकाचार्य ने मंगलाचरण किया है। भगवान का भजन करने के लिए क्या सुंदर श्लोक कहा, किरात हुआ मुसलमान भगवान का भक्त कोई भी हो, किसी जाति का हो, जब सर्वत्र भगवान है, ये सारा संसार भगवान का शरीर है, तो मुसलमान में भगवान नहीं है क्या? क्या वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता? क्या वैश्या में नहीं है? क्या शूद्र में नहीं है? भगवान की भक्ति करने का अधिकार सबको है। मैथिली शब्द गुप्त लिखते हैं, क्या द्विजाति क्या शूद्र, ईश को वैश्या भी भज सकती है, ईश भजन में वैश्या को क्या शुचिता तज सकती है? क्या उसके लिए भी उसे जैसी है भजन करो, जैसे हो भजन करो। बहुत बढ़िया बात, हमारे परम पूज्य नारायण दास भक्तमाली जी बक्सर वाले मामा जी, वो बताते ये आकाश में सूर्य का दर्शन हो, चंद्रमा का दर्शन हो, तो समझो भगवान के नेत्र हमें देख रहे हैं। अगर किसी ब्राह्मण का दर्शन हो जाए तो समझ लो कि ब्राह्मण भगवान ही विराजमान है। अगर चलते फिरते उठते बैठते किसी सूकर का भी दर्शन हो जाए तो समझ लेना भगवान वाराह आ गए। और तो और क्या कहें, अगर टंगी हुई टांगे भी दिख जाए तो समझ लेना सदन कसाई का स्मरण कर लेना। कहां तक कहें, सब में भगवत दर्शन करने का भाव हमारे भक्त माली जी मामा जी ने बताया, सब में भगवत, घृणा किसी से नहीं, सब जगह ईश्वर है। हरि व्यापक सर्वत्र प्रेम में प्रकट अब सृष्टि का वर्णन। अब मैं क्या बताऊं, बिटिया तो आई नहीं है, तो हम सृष्टि का वर्णन अब क्या करें, कर ही देते हैं, समझा देते हैं। जिस चर्चा को संत कथा रसिक जनों के आगे नहीं कहते उस कथा को हम यहां पर भी कह रहे हैं। कथा तो भागवत की ये अंग है। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे वेद शास्त्र पुराण ये थ्योरी नहीं है, थीसिस है, जो प्रैक्टिकल के बाद लिखे जाते हैं। ऋषि अलग हैं, मुनि अलग हैं। ऋषि किसे कहते हैं, मुनि किसे कहते हैं, मननशीला मुनयः, जो मननशील होते हैं वो मुनि होते हैं। और ऋषि कौन होते हैं, जो मंत्रों को मूर्ति के रूप में प्रत्यक्ष रूप में अपने आगे देखते हैं। ऋषयो मंत्र दृष्टारः, ये मंत्र चैतन्य है, जड़ नहीं है इनका दर्शन। ये मंत्र जैसे जैसे कहे महाराज ये बात, उसको तुरंत प्रैक्टिकली लिखते हैं। अब सुनिए, एक अकेला परमात्मा, एक अकेला भगवान, एक अकेली सुप्रीम एनर्जी, जो समझना चाहो, जो नाम देना चाहो, क्योंकि उसके नाम कई हो सकते हैं लेकिन तत्व एक है। जब कोई भी नहीं तो केवल अकेला वो ही था, अकेला। विचार किया, अब मैं एक से अनेक हो जाता हूं, एको अहम बहुश्यामः, इसका संकल्प लिया, ये सारी सृष्टि केवल भगवान के संकल्प से है, केवल संकल्प से। भगवान का संकल्प बनाना तो बन गया, भगवान का संकल्प मिटाना तो केदारनाथ में जिस प्रकार का तूफान आया सब कुछ बह गया, पल भर का संकल्प। उसके संकल्प से ही सब कुछ होता है। भगवान को कोई चीज बाहर से नहीं लानी पड़ती, उनके बाहर कुछ है ही नहीं, बाहर उनके कुछ नहीं है, वो सबसे बाहर है और सब उनके भीतर है। हर जहां में तेरा जलवा है पर तुस्सा सागर कोई नहीं, हर अवसर का तू अवसर है पर तेरा अवसर कोई नहीं, करुणा निधान तुझसा महान धरती के ऊपर कोई नहीं, तू सबके भीतर बाहर है पर तुझसे बाहर कोई नहीं।
उस परमात्मा से बाहर कोई नहीं। उसी परमात्मा ने अपने अंदर से ही तीन चीज निकाली। एक है काल, काल, दूसरा स्वभाव और तीसरा कर्म। और तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों भी अपने अंदर से प्रकट किए। इनके अंदर ये सारी चीज कैसे? अच्छा एक बात बताओ, मकड़ी का जाला बना हुआ देखा है? मकड़ी जब जाला बनाती है तो कहीं बाहर से वो जाल लाती है, अपने भीतर से ही जाल निकालती है। वो जाल अपने भीतर से निकालती है और फिर उस जाल में घूमती है, उसका रक्षण करती है और बाद में उस जाल को अपने अंदर ही समेट ले जाती है। भगवान जब सृष्टि का संकल्प लेते हैं तो अपने द्वारा ही सब कुछ पैदा करते हैं। अब सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को आप जैसे देखना चाहो, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, जो कहना चाहो, समझ लो इसे, इस पर थोड़ी स्टडी करो, इन्हीं चीजों पर स्टडी करो। अब हुआ क्या? सबसे पहला दुनिया में जो काम करवाता है उसका नाम है काल। काल माने टाइम, काल ही है। गर्मी है तो स्वेटर उतार दिया, आपको किसी ने स्वेटर उतारने को कहा नहीं था, लेकिन काल है, समय है, उतार दिया। ठंड लगी तो आपको किसी ने कहा नहीं, आपने पहन लिया। एक काल है जो सब कराता है। लोग हमसे कहते हैं कि हमने हाथ में घड़ी बांधी है, और मैं अगर ये कह दूं कि हाथ में घड़ी नहीं बांधी है, घड़ी ने आपका हाथ बांध रखा है, तो न जाने कौन घड़ी क्या हो जाए। घड़ी घड़ी कहे चल घड़ी, कहती यही विनीत, मूरख तेरे जन्म की एक घड़ी गई बीत। इस समय काल ने क्या किया? काल ने सबसे पहले वाइब्रेशन पैदा किया, क्षोभ उत्पन्न किया। काल हो और जैसे ही क्षोभ उत्पन्न किया तो सतोगुण, रजोगुण, काल के वाइब्रेशन करने से उसमें वृद्धि हुई। काल ने क्षोभ उत्पन्न किया, काल ने वाइब्रेशन दिया, काल अपना काम, सब कुछ ईश्वर के इशारे पर चल रहा है, उसी एनर्जी, सुप्रीम एनर्जी के इशारे पर। अच्छा आपने कभी वो एक मूवी आई थी बहुत पहले, उसमें कमल हासन के दो रोल थे, एक छोटा था कमल हासन, एक बड़ा था। बाद में वो एक एक करके चुन चुन करके सबको मारता है और बड़े तरीके से मारता है। उसका एक दृश्य हमको स्मरण होता है, एक बॉल होती है, वो एक चीज होती है, बॉल इधर से इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी, फिर ऐसे जाएगी। बाद में उसका देखा है सिस्टम, ऑटोमेटिक फंक्शन, एक बार स्टार्ट किया फिर उसके बाद स्टार्ट होता चला जाएगा, सारा काम ऑटोमेटिक चलेगा। तो काल ने किया क्षोभ उत्पन्न, अब स्वभाव ने अपना काम किया, उसे रूपांतरित किया, और कर्म ने अपना काम किया तो महत्त्व को जन्म दे दिया। महत्त्व, महत्त्व क्या है? हम सबके अंदर अहंकार होता है। दुनिया में एक ऐसा इंसान नहीं जिसके अंदर अभिमान ना हो। हमारे अंदर डीएनए में अभिमान है, हमारे जीन्स में अभिमान है, क्योंकि महत्त्व जो है वो अभिमान का बाप है, बीज के रूप में रहता है, और जब वो प्रकट होता है तो अहंकार का अंकुर निकलता है। महत्त्व बीज है, बाप है अहंकार का, और बेटा अहंकार, अभिमान। अब अभिमान पैदा हो गया, ये अभिमान जो है ये तमोगुण प्रधान हुआ, तमोगुण प्रधान। अभिमान में तीन डिवाइडेशन हो गए, तीन तरह का अभिमान हुआ। एक का नाम है वैकारिक, एक का नाम है तेजस, एक का नाम है तामस। हमने इसका पूरा चार्ट बना रखा है, पूरा चार्ट, इस पर स्टडी करने के बाद चार्ट बनाया है। अब सुनो,
सबसे पहले तामस अहंकार जो है ये द्रव्य शक्ति अहंकार है, द्रव्य शक्ति पैसे का अहंकार, और वैकारिक अहंकार ये ज्ञान शक्ति अहंकार है। किसी को धन का अहंकार होता है, किसी को अपने ज्ञान का अहंकार होता है, और तीसरा अहंकार है क्रिया शक्ति, किसी को अपने करने का अहंकार होता है, मैं ये करता हूं मैं वो करता हूं। तीन तरह के अहंकार हैं। जो तामस अहंकार है द्रव्य शक्ति, उस अहंकार से पांच वस्तु उत्पन्न हो रही है। सबसे पहले आकाश, फिर वायु, तीसरी वस्तु है तेज अग्नि, चौथी वस्तु है जल, और पांचवी वस्तु है पृथ्वी। इन सब का अपना अहंकार है, ये सब अहंकार की संतान है, सारी की सारी जो उत्पन्न हो रही है। लेकिन सबके अपने अपने गुण भी हैं। आकाश का गुण है शब्द, आकाश घड़घड़ करता है, शब्द होता है, आकाश का गुण है शब्द। दूसरा है वायु, वायु का गुण है स्पर्श, छू करके जाती है। लेकिन वायु आकाश का बेटा है, इसलिए बाप की संपत्ति भी बेटे के पास आई, आकाश के पास में शब्द जो गुण है वो वायु को भी मिल गया। तीसरी चीज, वायु से उत्पन्न हुआ तेज, तेज का अपना गुण निज है रूप, तेज में ही रूप दिखाई देगा, जो कल चर्चा रात को चल रही थी। तेज माने लाइट, तेज माने प्रकाश, प्रकाश में ही सब कुछ रूप है, रंग है, सब प्रकाश में ही दिखाई देगा। तो प्रकाश का गुण है रूप, लेकिन ऊपर बाप का और बाबा का जो संपत्ति है, बाबा की और बाप की, वो भी आ गई, शब्द भी आया और स्पर्श भी आया। अग्नि का आपने शब्द सुना है कभी? नहीं सुना? चट 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 करके जो आवाज होती है वो अग्नि का शब्द है, और स्पर्श, उसका ताप भी महसूस होता है स्पर्श। और उसके बाद में जल उत्पन्न हुआ, जल का अपना गुण है रस, बाकी के ऊपर के तीनों गुण आते हैं। और पृथ्वी अंत में उत्पन्न हुई है, इसका अपना गुण है गंध, लेकिन ऊपर के चारों गुण इसके पास में आए हैं। इसलिए दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो पृथ्वी से उत्पन्न ना होती है। आप लोगों को बोर लग रहा होगा, दो मिनट में पूरा कर दूंगा इसको भी। ये उनको समझ में, जिसको सीखना होगा उसके समझ में आएगा। हमें तो आज रसभरी कथा ही करनी है, ये सब कथाएं हम लोगों के लिए तो नीरस है, लेकिन फिर भी यूथ के लिए कहना जरूरी है, तो मैं कह रहा हूं। फिर वैकारिक अहंकार काल ही उत्पन्न कर रहा है, समय पर ही, समय समय पर सब होगा। वैकारिक अहंकार में विकार हुआ, तब जाकर के मन उत्पन्न हुआ, और हमारी जो 10 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां, इन 10 इंद्रियों के 10 देवता उत्पन्न हो गए। 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और 5 कर्मेंद्रिय हैं। ज्ञानेंद्रिय कौन सी हैं? श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और प्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। अब 5 कर्मेंद्रिय कौन कौन सी हैं? वाक, वाक वाणी, ये कर्मेंद्रिय है, बोलने का काम कर रही है। फिर है हस्त, हाथ, ये करने का काम कर, जो क्रिया में आते हैं। एक पांव, पाद, एक है गुदा और एक है जननेन्द्रिय, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। इन 10 इंद्रियों के देवता उत्पन्न हुए हैं वैकारिक अहंकार से, और उसको मन उत्पन्न हुआ है। और फिर जो तेजस अहंकार क्रिया शक्ति है, इससे 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, बुद्धि और प्राण, ये उत्पन्न हुए। अब ये उत्पन्न होने के बाद में, अभी बिग बैंग की थ्योरी भी शुरू नहीं हुई यहां से, ये सब काम पहले हो चुका है, तब भगवान ने देखा अभी तक कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ये सब पैदा हुए। अच्छा, भगवान ने सबको मिलाया। जैसे जो मकान बनाने वाला है, रियल एस्टेट का काम करता है, वो जानता है मकान ईंट पत्थर का बनाया, प्लास्टर व्लास्टर सब करके कर दिया, लेकिन बाद में इंटीरियर सेट करता है, कौन सी चीज कहां पर करनी है, वो सब सेट करने के बाद में फिर डेमो तैयार करता है कि कोई आकर उसे देखे, डेमो। तो भगवान ने एक एक करके ईंट है, चूना है, मिट्टी है, सीमेंट है, ये सबके सब इकट्ठे हो गए, सबके सब हो गए, लेकिन अभी मजा नहीं आया। भगवान ने फिर सबको सेट किया इंटीरियर,
आंखों के देवताओं को आंखों पर बैठा दिया, कानों के देवताओं को कान पर बैठा दिया, हाथ के पांव के सबके देवताओं को बैठा। उसके बाद में भगवान ने सबको मिलाया तो दो गोले बनाए, एक गोला नहीं था, दो है। एक का नाम हुआ पिंड और दूसरे का नाम हुआ ब्रह्मांड। ब्रह्मांड, पिंड और ब्रह्मांड। ब्रह्मांड 1000 वर्ष तक जल में ही पड़ा रहा, 1000 वर्ष तक जल में। और उसके बाद में भगवान ने, अब पिंड क्या है, ये देह जो है ना, शरीर, ये पिंड है। और इस देह से बाहर जो कुछ दिख रहा है ये ब्रह्मांड है। और एक बात कह दूं, जो बाहर दिख रहा है वो सब कुछ भीतर भी है। आप ये मत समझो कि नदी भीतर नहीं है। अगर तूफान बाहर आता है तो तूफान भीतर भी चलता है, भीतर भी है। जो कुछ बाहर दिख रहा है वो अपने भीतर भी है। जो ये पिंडे सो ये ब्रह्मांडे, जो पिंड है भैया, जब सब आटा गूथ लिया, बना लिया, सब करके बना, दो अलग हिस्से कर दिए, तो आटा इसमें भी नमक है तो इसमें भी नमक है, सब कुछ वही है। देखो भगवान सबके भीतर बैठे हैं। अब भगवान ने क्या किया, विस्फोट करना है भगवान को, विस्फोट यहीं से होगा। ये सब के सब जड़ थे, चेतन नहीं थे, भगवान इनके अंदर प्रविष्ट होते हैं, प्रविष्ट होते। ब्रह्मांड में भी प्रविष्ट हुए और पिंड में भी प्रविष्ट हुए। और जैसे ही प्रविष्ट हुए तो जैसे कोई मुर्दे में जिसके प्राण निकल गए हो तो लाइन यो चलती है ना स्ट्रेट, तो वो डॉक्टर क्या करता है, देता है झटका। अब झटका लगेगा तो उछलेगा बॉडी, लेकिन अचानक ही गया हुआ प्राण लौट करके आया, तो ये तो मुर्दा था, सब जड़ है। भगवान ने इसके अंदर प्रवेश किया और जो प्रवेश किया तो विस्फोट हुआ, और विस्फोट होते ही ये महाराज विराट भगवान की उत्पत्ति हो गई। पाताल में तस्य हि पाद मूलम पठन्ति पार्श्व प्रपदे रसातलम महातलम विश्व सुजोत गुल्फौ तलातलम वही पुरुषस्य जंगे। और जिसके 1000 मुख हैं, 1000 हाथ हैं, जिनका दर्शन आप यहां कर रहे हैं, ये ही भगवान सर्वत्र व्याप्त हो गए। इसलिए गुजराती में एक कहावत है, उसको हम हिंदी में कह रहे हैं यहां पर, ये सारा संसार घर, उस घर में ये भी एक घर, बोलो घर मां घर, घर मां घर, ईमा घर, ईमा रहे दामोदर, घर में घर, उसमें घर, उसमें बसे दामोदर। अभी इतने शांत होकर बोल रहे, बोलो घर में घर, अरे तेजी से बोलो, घर में घर, उसमें घर, उसमें बसते दामोदर। ये वर्ल्ड, उस वर्ल्ड रूपी घर में इंडिया एक घर, उसमें भी आप जयपुर एक घर, और जयपुर में भी अपना गोविंद देव जी एक घर, और गोविंद देव जी में भी अपना ये शरीर एक घर, और उस शरीर में भी दामोदर। घर मां घर, उसमा घर, उसमा घर, उसमा घर, उसमें बसते दामोदर। ये ही भगवान सब जगह व्याप्त है, लेकिन दिखते क्यों नहीं है। अच्छा एक बात है, राजा जनक ने एक प्रश्न किया, 3 प्रश्न है राजा जनक के, भगवान रहते कहां हैं, भगवान खाते क्या हैं, भगवान करते क्या हैं, ये 3 प्रश्न। अब इसका उत्तर लोगों ने अपनी अपनी मति के अनुसार दिया। एक बार अष्टावक्र ऋषि चले आए, जो अष्टावक्र आए, राजा जनक ने यही प्रश्न उनसे भी किया। अष्टावक्र ने कहा, राजा परीक्षित, राजा जनक तुझे प्रश्न करने का ढंग नहीं आता, महाराज क्या अपराध हो गया। बोले जिससे तू उत्तर पाना चाहता है वो नीचे खड़ा हुआ है और तू ऊपर सिंहासन पे बैठा है, ये तरीका है तेरे प्रश्न करने का। महाराज गलती हो गई, सड़क पर खड़े महात्मा से प्रश्न ऐसे करते हैं, नीचे उतर।
राजा जनक नीचे उतर करके आए, अपने सिंहासन पे उनको बैठाया, हाथ जोड़कर पूछा, महाराज भगवान करते क्या है? बोले अभी भी समझ में नहीं आया। मतलब? बोले तुझ जैसे राजा को तो मेरे जैसे फकीर की सड़क पर खड़ा कर देते हैं, हम मुझ जैसे फकीर को सड़क से उठाकर तेरे जैसे राजा के सिंहासन पर बैठा देते हैं। ये रोज का काम है उनका, रोज का। चाहे तो राजा को रंक करें और रंक ही द्वार, चाहे तो रंक को राजा करें और चाहे राजा को द्वार ही द्वार फेरावे, वो जो चाहे कर सकता है। अच्छा, भगवान खाता क्या है? बोले तेरे जैसे राजा का अहंकार खाता है। अहंकार सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जनी अभिमान न राखहिं काहू। अच्छा, रहते कहां है भगवान? वो एक बाल्टी पानी मंगवाया, उसमें नमक डाल दिया, मिला दिया, बता नमक कहां है? बोले वो तो मिल गया। बोले जैसे नमक इस पानी में मिला हुआ घुला हुआ है, वैसे ही वो परमात्मा भी सारे संसार के कण कण में व्यापक हो रखा है, उसका अभाव कहीं नहीं। प्रहलाद यही तो कहते थे, तो भगवान सब जगह है। लेकिन उसकी झांकी को देखने वाले नेत्र गुरु कृपा से ही प्राप्त होंगे, वो दृष्टि गुरु कृपा से ही प्राप्त होगी। गुरु जी दृष्टि देते हैं तब जाकर के भगवत दर्शन होता है, बिना दृष्टि के भगवत दर्शन नहीं होगा। कण कण में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचाने की। कण कण में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचाने की। राम गुण गाओ, घनश्याम गुण गाओ, राम गुण गाओ, घनश्याम गुण गाओ। और इसके बाद में विराट भगवान के, विराट पुरुष के ही नाभि कमल से एक कमल उत्पन्न हुआ। जय 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 जय। ओ कण कण में है झांकी भगवान की, कण कण में है झांकी भगवान की, सूझ वाली आंख ने पहचाना की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचाना की। ओ कण कण में है झांकी भगवान की, कण कण में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचाना की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचाना की। राम गुण गाओ, घनश्याम गुण गाओ, राम गुण गाओ, घनश्याम गुण गाओ, प्रभु हरि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ओ प्रेम प्रकट मोही में जाना, प्रेम प्रकट मोही में जाना। कण कण में है झांकी भगवान की, कण कण में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। राम गुण गाओ, घनश्याम गुण गाओ, 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 घनश्याम गुण गाओ, राम गुण गाओ, घनश्याम गुण विराट भगवान की। नारायण, भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने अपने पिता को खोजने का प्रयास किया, जनक को खोजने का प्रयास किया,
न खोज पाए, तपस्या करो। आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा ने 100 वर्ष तक तपस्या करी, दर्शन दिया, आज्ञा दी कि सृष्टि उत्पन्न करने का कार्य आपको करना है। ब्रह्मा को भगवान ने सखा कहा है, बेटा है, लेकिन भगवान सखा कह दिया। यही तो भागवत का वैशिष्ट्य है, बेटा बड़ा प्रैक्टिकल है। बेटा बड़ा हो गया तो मित्र हाथ मिलाया। यावत् सखा सख्युर्वेश देखतः प्रजा विसर्गे विवजामि भोजनम् अविक्लवस्ते परिकर्मणि स्थितो समुन्नतमदो जमानिनः। हे ब्रह्मा, रे मेरे सखा, सखा कह रहे, सखा का अर्थ क्या है? साथ में खाएगा, सहैव खादति, साथ में बैठ के खाता है, वो सखा है, साथ में चलता है, सखा है। बेटा बड़ा हो जाए तो पिता को पुत्र से मित्रता कर लेनी चाहिए। कितना बड़ा हो जाए? अरे कम से कम 16 साल का तो हो जाए। प्राप्ते 16 वर्षे पुत्र मित्रे समाचरित, सृष्टि उत्पन्न करो। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु अभिमान हो जाएगा, अभिमान, हम सबके डीएनए में अभिमानी तो है, लेकिन अब करना क्या? अभिमान को तो छोड़ नहीं सकते, अभिमान को छोड़ नहीं सकते, अभिमान आ ही जाएगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, पैक है अंदर, तो करना क्या है? बोले अभिमान को छोड़ नहीं सकते हो, मोड़ तो सकते हो, छोड़ नहीं सकते तो मोड़ तो सकते हो। बोले किधर मोड़े? बोले जो अभिमान तुम्हारी संपत्ति में, तुम्हारे देह में, तुम्हारे मकान में, तुम्हारे दुकान में, तुम्हारे व्यापार में तुम्हारा अभिमान लगा हुआ है, तुम्हारे रूप में तुम्हारा अभिमान लगा हुआ है, इस जगत में तुम्हारा अभिमान लगा हुआ है, अपने भाई बंधु इष्ट मित्र संगी साथियों की शक्ति में तुम्हारा अभिमान लगा हुआ है, वो ही अभिमान तुम गोविंद देव जी के चरणों में लगा दो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अस अभिमान जाए जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अस अभिमान जाए जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं राम जी का सेवक हूं, ये अभिमान है मुझे। हमारे ब्रजवासी भी कहते हैं, हम श्री राधे जू के बल अभिमानी, ठाकुर नंद किशोर हमारे पुरानी श्री राधा। हमें भी अभिमान, तो ऐसा अभिमान जीवन का कल्याण कर देगा। भगवान से जुड़ जाए तो कल्याण हो जाएगा, और ये अभिमान संपत्ति से और इंसान से जुड़ जाए तो पतन हो जाएगा। भगवान ने 4 श्लोकों में उपदेश किया है, इसी का नाम भागवत है, ये 4 श्लोक की भागवत है। पहले श्लोक में भगवान ने अपना स्वरूप बताया कि मेरे स्वरूप का स्मरण रहेगा तो अभिमान कभी नहीं होगा, मुझे जानोगे तो अभिमान नहीं होगा, और खुद को जानने में लगे रहोगे तो अभिमान हो जाएगा। 4 श्लोकों में उपदेश क्यों किया? क्योंकि नारायण के नाम में 4 ही अक्षर है, नारायण, इसलिए 4 श्लोकों में उपदेश किया। अथवा नारायण के जो नाम है इसमें तो 4 अक्षर, ब्रह्मा जी के आगे चलकर के सिर को भगवान अलग करेंगे, सिर को, तो ब्रह्मा के भी केवल 4 ही सिर रह जाएंगे, इसलिए 4। वेदों की संख्या कितनी है? बोले 4, तो वेदों की संख्या 4 है, तो भागवत के श्लोक भी प्रारंभ में 4 ही श्लोक वर्णन किए। और दूसरी बात, संसार 4 शब्दों में व्याप्त है, 4 शब्दों में संसार पूरा व्याप्त है। कौन सा? मैं मेरा, तू तेरा,
इन चार शब्दों में ही सारा संसार व्याप्त है। और ब्रह्मा ने जो तपस्या करी है वो भी चार इंद्रियों को वश में करके करी है, चार वस्तुओं को वश में करके करी है तपस्या। कौन सी चार वस्तु? प्राण, मन, कर्मेंद्री और ज्ञानेंद्री। इन चार वस्तुओं को अपने वश में करके ब्रह्मा ने तपस्या करी, तो भगवान नारायण ने भी चार श्लोकों में ही इनको आयोगेश। हे ब्रह्मा, मेरा स्वरूप जान ले तू क्या है। क्या स्वरूप? अहमेवा समेवा नान्यद्यद् सत्सत् परम पश्चादहम्यदेत च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। जब कुछ भी नहीं था, नथिंग वॉज देयर, देन ओनली आई वॉज देयर, सिर्फ मैं ही था। सबसे पहले मैं ही था, और जो कुछ आज दिख रहा है इसमें भी मैं ही हूं। इसलिए दिख रहा है, जिस दिन भीतर से मैं निकल जाऊंगा, या तो जमीन में गाड़ दिया जाएगा या अग्नि में जला दिया जाएगा। मेरे निकलते ही कोई मतलब का नहीं रह जाएगा। मैं हूं, सबसे पहले मैं था, और जब सब कुछ दिख रहा है तब भी मैं ही हूं। और जब सब जल जाएंगे, धरती में गड़ जाएंगे, तो जो बचा रहेगा वो भी मैं ही बचा रहूंगा। भाव, मेरा अभाव कभी नहीं होता। ना सतो विद्यते भाव, ना भावो विद्यते सत, उभयोरपदृष्टो तस्त्वमेव तत्त्वदर्शिनी। स्वरूप है मेरा। दूसरा, माया का वर्णन किया। माया क्या है? बहुत सुंदर वर्णन है। रितीर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायां यथा भासं यथा च। माया किसे कहते हैं? बोले, जो दिखाई पड़े, जो आंखों से दिखाई तो पड़े पर यथार्थ में हो नहीं। आंखों से दिखाई तो पड़े पर हो नहीं, उसका नाम है संसार। और जो दिखाई ना पड़े परंतु हो, उसका नाम है भगवान। जैसे जैसे आकाश में नक्षत्र हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका, वृक्षरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आकाश में नक्षत्र हैं। ये नक्षत्र सुने नहीं सुने? नक्षत्र 27 हैं, लेकिन दिखाई आंखों से नहीं देते। अच्छा, एक बात बताओ, बुद्धि दिखाई देती है कि नहीं? बुद्धि दिखाई देती है? बोले देती नहीं है, लेकिन है। मन दिखाई देता है? लेकिन है। अरे, प्रकृति की सत्ता भी जब आंखों से कई बार दिखाई नहीं देती फिर भी उसको मानते हो। हमने कहा, अरे भाई तुम्हारे एग्जाम में पढ़ाई करो, बोले मन नहीं। और फिर जब एग्जाम सर पर आ जाए, चलो बात करो, अरे अरे अब तो पढ़ना पड़ेगा। क्यों? अरे टेंशन बहुत हो गई है। कहां? उस दिमाग में बहुत टेंशन है। अब दिमाग कहां है? जिसको देखा नहीं है फिर भी उसकी सत्ता को मानते हो। उसकी सत्ता है, और जो आंखों से दिखाई दे रहा है लेकिन उसकी सत्ता है नहीं। शरीर दिखता है लेकिन इसकी सत्ता सत्य नहीं है, इसी का नाम माया है। है सो नजर न आवही, और नहीं सो ने न दिखाई। है सो नजर न आवही, और नहीं सो ने न दिखाई। ये है गोपुक तुम लखो, जब सदगुरु मिल जाए। नहीं समझ गया?
है सो नजर न आवही और नहीं सुनने ने दिखाए। इस रहस्य को तुम कब जान पाओगे? यह कौतुक तुम लखो देखो जब सदगुरु मिल जाए। एक बहुत बढ़िया भाव है, जादूगर की जादूगरी किस किसने देखी है? हाथ ऊपर करो जिसने कभी जादूगर की जादूगरी। अच्छा, इतने लोगों ने देखी। अच्छा एक बात बताओ, एक हमारे आगरा में एक बार एक जादूगर आया, 8 बजे का समय था उससे शो का, और बड़े बड़े बड़ा जादूगर था, नामी गिरामी, नाम मालूम है हमें भी स्मरण नहीं था। तो बड़े बड़े कलेक्टर आईजी डीआईजी सब आ रखे थे उसकी जादूगरी को देखने, सब बैठे थे। लो 8 बजे का समय बोल रखा था, 10 बज गया, कब आएगा पता नहीं। अरे भाई बेकार का हमने यहां पर समय बर्बाद किया 2 घंटे का। अचानक ही जादूगर स्टेज पर आता है, लोगों ने कहा ये समय होता है आने का? 8 बजे का समय बोल रखा था, 10 बजे आ रहे हो, कोई समय आने का? शांति शांति शांति। अरे भाई आप लोगों को कोई भ्रम हो रहा है क्या? करे मैं तो समय से ही आया हूं। अपनी अपनी घड़ी देखो, सबने देखा तो घड़ी में 8 ही बज रहे। जादूगर ही जादूगर कर सकता है कि नहीं? लेकिन क्या 8 बज रहे हैं सच्चाई में? ये जादूगर की जादूगरी है, वो गर्दन काट देता है, शरीर को हवा में उड़ा देता है, मार डालता है, वही जिंदा होकर आ जाता है। देखिए नहीं देखी जादूगरी? दांतों तले उंगली दबा जाओगे। अरे वो सच है क्या? इसी को कहा जो सच है सो नजर न आवही, और जो सच नहीं सो नैन दिखाए। अब इस लीला को कौन जान पाएगा? जादूगर के आगे जितने बैठे हैं सबके सब फेल हैं उसके जादू को समझने में, लेकिन एक है, एक जिस पर जादूगर का जादू काम नहीं आता। कौन? अरे जमुरा, जमुरा समझ गए असिस्टेंट। अरे जमुरा, ये जो जमुरा है जो जादूगर के साथ खड़ा है वो सब जानता है। अरे जादूगर दुनिया को जादू दिखा रहा है, हमें सब समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। ऐसे ही दुनिया की माया में बैठे हुए कुर्सी पर लोग जो हैं, चलने फिरने वाले, जगत में विचरण करने वाले, तर्कों पर भगवान की कसौटी को तोलने वाले जो लोग हैं, उनको भगवान की सत्ता दिखाई नहीं देती, लेकिन जो भगवान के जमूरा बन जाता है उसको भगवान की माया कभी स्पर्श नहीं हो पाती। वो सब जानता है कि हकीकत क्या है, सही क्या है, इसी का नाम माया है। और तीसरा वर्णन किया, यथा महांति भूतानि भूतेषु शमचेषु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु तेष्वहम्। इस जगत कैसा है? मूल पंच महाभूतों भूत सब में रहते हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सब कुछ हम में है। ठीक, ये हम में रहते हुए भी हम सबसे अलग है। पृथ्वी हमारे भीतर है लेकिन पृथ्वी यहां पर भी है, आकाश हमारे भीतर है लेकिन आकाश वहां पर भी है, अग्नि हमारे भीतर है लेकिन अग्नि भट्टी में भी जल रही है। मूल तत्व वो सबसे अलग रहता है, सब में होता हुआ भी, इसी का नाम जगत है। सब में रह करके भी सबसे अलग रहे उसका नाम जगत। और अंतिम श्लोक वर्णन किया, एतावदेव जिज्ञास्या सर्व जिज्ञासुरात्मनः अन्वयम् व्यतिरेकाभ्याम् यस्या सर्वत्र सर्वदा। ये तत्व वर्णन कारण का कार्य से संबंध होता है। जैसे सोने का आभूषण और मिट्टी का घड़ा, तो मिट्टी कारण है, घड़ा कार्य है। अब इसको आपकी भाषा में जिस तरह से करना चाहो, लिखना चाहो, समझना चाहो, समझो। मूल मिट्टी है वो कारण है और घड़ा उसका कार्य है।
सोना कारण है, आभूषण उसका कार्य है। मिट्टी का घड़ा फूटा, मिट्टी में मिल गया, आभूषण गले, सोना बन गया, सोने में मिल जाओगे। तो जो वस्तु जहां से निकलती है उसी में जाकर के मिल जाती है, यही तत्व है। जैसे घड़ा मिट्टी में मिल जाता है क्योंकि उससे पैदा हुआ है, आभूषण सोने में मिल जाते हैं क्योंकि उससे बने हैं, ऐसे ही जीवात्मा भी परमात्मा में जाकर मिल जाता है क्योंकि उसी से पैदा होता है। नारायण यही जीवन का तत्व है। लेकिन हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक जीवन में मैं का अहंकार है। और उसके पश्चात में महाराज महापुराण के 10 लक्षण वर्णन किए हैं। 10 लक्षण। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणं मुदयः मन्वन्तरीशां कथा निरोधो तिराशयः। अब इस सब थोड़ा समझ लो, आज इसकी भी थोड़ी, जब द्वितीय स्कंद मार ही डाला इतना समय इसमें दिमाग लगा करके बोल डाल करके प्रभु कृपा से, तो इसको भी समझ लो। महापुराण और पुराण, पुराण के 5 लक्षण होते हैं और महापुराण के 10 लक्षण होते हैं। इसको नोट कर लो, ये नोट करने वाली चीज है। वैसे तो सभी नोट करने वाली है, लेकिन ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि शब्द आपको पता लगे कि सर्ग क्या है, विसर्ग क्या है, स्थान क्या है, पोषण क्या है, ऊती क्या है, ये पता लगना जरूरी है। सर्ग किसे कहते हैं? ईश्वर की प्रेरणा से पंच महाभूत इंद्रियादि की जो उत्पत्ति है उसी को सर्ग कहा गया है, जिसका वर्णन अभी किया था, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आदि ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां आदि, इस सृष्टि का नाम है सर्ग। फिर उसके बाद विसर्ग। विसर्ग क्या है? ब्रह्मा जी के द्वारा चराचर सृष्टि का जो निर्माण है इसी का नाम विसर्ग है। पहला तो भगवान नारायण ने कर दिया, फिर तो ब्रह्मा जी ने कर दिया। तीसरी चीज है स्थान। भागवत में 12 स्कंद है, 12 स्कंद में पहला और दूसरा स्कंद अधिकारी स्कंद है और साधन स्कंद है। तृतीय स्कंद से सर्ग प्रारंभ होता है। तृतीय स्कंद सर्ग है, चतुर्थ स्कंद विसर्ग है, चौथे में ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि उत्पन्न करने की बात आएगी और पांचवा स्कंद, इसका नाम है स्थान। स्थान किसे कहते हैं? विनाशशील सृष्टि नक्षत्र आदि को मर्यादा में रखना ही स्थान है। ये सूर्य गिरता नहीं नीचे और सूर्य को कोई सपोर्ट भी नहीं है, चंद्रमा गिरता नहीं नीचे, चंद्रमा को कोई सपोर्ट भी नहीं है, आकाश गिरता नहीं नीचे, आकाश को कोई सपोर्ट नहीं है, नक्षत्र गिरते नहीं है नीचे, सपोर्ट नहीं है, फिर भी क्यों? ये इनका स्थान है, भगवान ने टिका रखा है, इस पर टिको रहो, आज्ञा हिलेगा नहीं। तो जिसका जो स्थान है वहीं पर टिके हैं, इस विनाशशील सृष्टि नक्षत्र आदि को मर्यादा में रखा हुआ वह परमात्मा, इसी का नाम स्थान है। पोषण किसे कहते हैं? ये 6वां स्कंद है, अपने भक्तों पर अनुग्रह करके उनका पोषण करना ही, जीवों पर अनुग्रह करना ही, जीवों पर कृपा करना ही भगवान का पोषण है। भगवान की कृपा कितनी बड़ी है, लोग कहते हैं भगवान हमारे पाल रहा है नहीं पाल रहा हमें, अरे बाप, भगवान का अनुग्रह इतना है। एक बात विचार करो, आज 50 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, ये भगवान का अनुग्रह नहीं है तो है क्या? धन्यवाद दो भगवान का कि हम 70 वर्ष के हो गए, 50 साल के हो गए। अगर भगवान का अनुग्रह नहीं होता तो 10 वर्ष भी नहीं रह पाते, 2 दिन भी नहीं रह पाते। ये भगवान का अनुग्रह है जीव पर जो भगवान पोषण कर रहे हैं, इसी का नाम पोषण है। और फिर उसके बाद ऊती, कर्म वासना ही ऊती है, कर्म वासना इसी का नाम ऊती है। और उसके बाद इसको 7वां स्कंद कहा, अब 8वां स्कंद है, उसको मन्वंतर कहा है। मन्वंतर किसे कहते हैं? भिन्न भिन्न मनुओं के द्वारा जिस जिस काल में धर्म परक प्रजा पालन का अनुष्ठान हुआ है,
उसी काल को मनवंतर कहते हैं। अलग अलग मनुओं के द्वारा एक आज के संविधान, अलग अलग मनुओं ने धर्म परायण धर्म परक संविधान का निर्माण किया और धर्म का अनुष्ठान किया है, उसी का नाम मनवंतर है। इस तरह से कितने मनवंतर है? 14 मनवंतर है। इसका नाम है, ये है अष्टम स्कंद। फिर नवम स्कंद है, उसका नाम ईशानु कथा। अभी आपको ऐसी कथा सुनाएंगे कि नींद उड़ जाएगी सारी। अभी ये कथा में बोरियत लग रही होगी, लगेगी, इन सब चीजों में बोरियत लगती है, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं और हम ये भी जानते हैं कि नहीं समझने वाले नहीं समझ रहे होंगे, क्योंकि समझने के लिए क्लास में सजग होना जरूरी है। 40 बच्चे एक क्लास में बैठे हैं, सबके समझ में नहीं आएगा, कोई मोबाइल में लगा रह जाएगा, कोई इधर उधर रह जाएगा बातों में लगा हुआ, उसके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम सजग नहीं है, हम सावधान नहीं है। इसलिए टीचर बीच में बोलता रहता, ए पढ़ाई करो, जी जी सर जी। ईशानु कथा है, नवम स्कंद है, जिसमें भगवान के भक्तों के चरित्र कहे गए हैं, वो ईशानु कथा है। और दशम स्कंद, इसका नाम है निरोध, प्रभु में जीव का लय हो जाना, भगवान में जीव का लय हो जाना। लय होना माने जैसे नदी समुद्र में मिल गई, लय हो गई, इसी का नाम है निरोध। हम भगवान में मिल गए, अब मन और कहीं नहीं जाएगा, केवल वही। दशम स्कंद। और एकादश स्कंद, इसका नाम है मुक्ति। मुक्ति किसे कहते हैं? अन्यथा रूपम देह स्वरूपम हित्वा आत्मस्वरूपेण स्थिति ही मुक्ति। मैं शरीर हूं, इस बात से बाहर निकल करके मैं आत्मा हूं, इसमें स्थित हो जाना ही मुक्ति है। हम बंधन में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, हमने अपने आप को बंधन में मान रखा है।